हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स जो हैं वो 2019 एक्ट के चैप्टर सेकंड में डिस्कस करी गई हैं, और ये काउंसिल्स यूनियन लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों ही लेवल्स पर एस्टेब्लिश करी गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का काम क्या होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का काम होता है ये कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन्स को एडवाइस करती हैं। ओके, तो जो हमारी सेंट्रल लेवल पे है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसको एस्टेब्लिश करने की ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जो चेयरपर्सन होंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के, वो होंगे कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर। फिर आती है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है, इसको डिस्कस किया गया है सेक्शन 6 में। यहाँ पे क्या कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करनी है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और जो चेयरपर्सन होंगे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के, वो होंगे कंज्यूमर अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर। ओके, अब पॉइंट आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल्स का। डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करनी है पर्टिकुलर स्टेट में, और जो चेयरपर्सन होंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, वो होंगे कलेक्टर ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी उस डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होंगे वही चेयरपर्सन होंगे। अब मीटिंग्स की बात करते हैं। मीटिंग्स जो हैं वो, अगर हम बात करें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, तो जब इन्हें सही लगे, जब इन्हें नेसेसरी लगे, ये तब मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं। बट जो नेसेसिटी है वो है पर ईयर 1 मीटिंग। ठीक है, मतलब कम से कम एक मीटिंग तो एक साल में करनी ही होगी इन्हें। फिर आता है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, इन्हें साल में 2 मीटिंग करनी होंगी, ये नेसेसरी है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 2 मीटिंग ज़रूरी है, यानी एक साल में 2 मीटिंग होनी चाहिए। स्टेट लेवल पे भी एक साल में 2 मीटिंग होनी ही चाहिए, और यहाँ पे साल में एक मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है मेडिएशन। मेडिएशन का मतलब होता है इंटरवेंशन इन अ डिस्प्यूट इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट, यानी कि एक डिस्प्यूट में इंटरफेयर करना उसको रिजॉल्व करने के लिए। ओके, जैसे एग्जांपल, ये ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है, अगर ये अपना केस किसी न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाए और ये सॉल्व कर दे, तो इसने क्या एक्ट किया है, इसने एज अ मेडिएटर एक्ट किया है। ओके, अब ये जो मेडिएशन सेल्स होती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन से भी अटैच होती हैं, स्टेट से भी और नेशनल कमीशन से भी अटैच होती हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सेल्स को क्या क्या मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। इन सेल्स को मेंटेन करना है अ लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड मेडिएटर, अ लिस्ट ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय द सेल एंड रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। इन्हें क्या मेंटेन करना है, एक लिस्ट तैयार रखनी है, इन्होंने मेंटेन करके रखनी है एम्पैनल्ड मेडिएटर्स की, यानी वो पर्सन जो एज अ मेडिएटर सिलेक्ट हो चुके हैं, एक लिस्ट उनकी मेंटेन करके रखनी है। फिर अ लिस्ट ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय द सेल, सेल ने जितने भी केसेस हैंडल किए हैं, एक लिस्ट उनकी भी मेंटेन होनी चाहिए इनके पास। रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उन सब का रिकॉर्ड इनके पास होना चाहिए, और भी बाकी कोई अगर फर्दर इंफॉर्मेशन है रिलेवेंट जो स्पेसिफाइड करी गई है रेगुलेशंस में, वो भी इन्होंने मेंटेन करनी है। और इन्हें क्या करना है, हर 3 महीने में कमीशन को, जिस भी कमीशन से ये अटैच हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अटैच हैं या स्टेट कमीशन से अटैच हैं या फिर नेशनल कमीशन से अटैच हैं, जिस भी कमीशन से मेडिएटिंग सेल जो है वो अटैच है, उसे क्या करना होगा, हर 3 महीने में इन्हें रिपोर्ट देनी होगी। ओके, अब बात करते हैं पैनल ऑफ मेडिएटर्स की। जो पैनल है मेडिएटर्स का, वो प्रिपेयर किया जाएगा कमीशन के द्वारा, यानी कमीशन रिकमेंड सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन से पैनल तैयार करेगा, और पैनल जो वैलिड होगा वो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए, एग्जांपल अगर कोई डाउट है पर्सन पर, तो क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए हम मेडिएटर से उसकी कोई भी पर्सनल, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्लोज करा सकते हैं, भाई मेडिएटर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, अब पॉइंट आता है प्लेस ऑफ मेडिएशन एंड स्पेशल कंसिडरेशन, यानी कि जो ये प्रोसीडिंग्स होंगी मेडिएशन की, ये करी कहाँ पे जाएंगी,
ये उसी मेडिएशन सेल में होंगी जिस कमीशन से अटैच्ड है। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अटैच है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और जिस भी कंसर्न कमीशन से अटैच होंगी उसी मेडिएशन सेल में प्रोसीडिंग्स करी जाएंगी। मेडिएटर को करना क्या है, मेडिएटर को सिर्फ इतना ट्राई करना है कि भाई पार्टीज़ का डिस्प्यूट रिजॉल्व करा जा सके, और ये नहीं करना जो भी एग्जाम्पल, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं पार्टीज़ के बीच की, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि भाई मेडिएटर ने किसी भी तरीके से इन पे को किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालना है कि तुम करो एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर सेटलमेंट हो गया, अगर मेडिएशन सक्सेसफुल रही और जो पार्टीज़ हैं वो एग्रीमेंट तक पहुंच गई, तो क्या करना है उनके बीच के अगर सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, तो जो एग्रीमेंट है उन पे दोनों पार्टीज़ का साइन ले लेना है, इन दोनों पार्टीज़ का साइन ले लेना है, और रिपोर्ट जो है वो कमीशन को सेंड कर देनी है कि भाई मेडिएशन से इन पर्सन के बीच का डिस्प्यूट सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये रिकॉर्ड सेंड करना है, ये रिपोर्ट सेंड करनी है मेडिएटर ने। बट क्वेश्चन ये आता है, अगर मेडिएशन से सॉल्व ना हो तो, अगर किसी का डिस्प्यूट मेडिएशन से सॉल्व ना हो तो क्या करें। तो देखिए, इसका आंसर है, अगर पार्टीज एग्रीमेंट की सिचुएशन तक नहीं पहुंच पाती मेडिएशन की हेल्प से, तो मेडिएटर को क्या करना होगा, मेडिएटर ने उसकी भी रिपोर्ट देनी होगी कंसर्न कमीशन को और सबमिट कर देनी होगी कि ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ है। तो जो भी डिस्प्यूट होगा पर्टिकुलर पार्टीज़ का, वो कमीशन फिर सुनेगा सारे जो भी मैटर्स हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, फिर कमीशन में चली जाएंगी और फिर सेटलमेंट जो है वो कमीशन करेगा, यानी डिसीजन होगा जो भी कमीशन का, फिर वो दोनों पर बाउंड होगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।